हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। सो वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स इन दिस वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस टू वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस on the chemical property of halogens, and these two important questions which we will discuss today are very important and they are asked every year in the final examination. So let's start with that questions. So the first question is, halogens are less reactive toward nucleophilic substitution reaction than haloalkanes, explain। और यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्लोरोबेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन मिथाइल क्लोराइड, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। क्लोरोबेंजीन इज एरोमेटिक हैलाइड, दैट इज़ हेलोरीन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। जो क्वेश्चन है, इट टेल अस दैट हेलोरीन्स जो हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो एराइल हैलाइड्स हैं उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी लेस, और वी कैन से दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोरीन्स दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके हम रीजंस पढ़ेंगे, क्या रीज़न है कि हेलोरीन्स की जो रिएक्टिविटी है टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होती है। अब देखो, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इट मींस हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस कार्बन हैलोजन बॉन्ड विद कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। मींस हम क्या करते हैं, हैलोजन को निकाल के उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, और जो हैलोजन है वो अपने लोन पेयर के साथ इस रिएक्शन में लीव कर जाता है, जिसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। इट मींस जितनी जल्दी कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी ही उसके साथ आके न्यूक्लियोफाइल लगेगा कार्बन के साथ आके, उतनी जल्दी ही हमारा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब हमें ये देखना है कि जो हेलोरीन्स हैं उनका कार्बन हैलोजन बॉन्ड जल्दी टूटता है, या फिर अल्काइल हैलाइड का कार्बन हैलोजन बॉन्ड जल्दी टूटता है। अब ये फैक्टर्स जो हैं, द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन केस ऑफ हेलोरीन, इट डिपेंड्स अपॉन द मेन थ्री फैक्टर्स। सो द फर्स्ट फैक्टर इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हमने देखना है, जो लोन पेयर है हेलोजन के ऊपर, वी नो हेलोजन हैव थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट, जो हेलोजन के लोन पेयर हैं दे कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन विद बेंजीन रिंग। जैसे ही मैंने ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करा, इस कार्बन के जो ये वाला कार्बन है, इट हैज़ 1, 2, 3 and 4 बॉन्ड्स, और दो जो इलेक्ट्रॉन हैं इसको मिल रहे हैं, मींस पांच बॉन्ड बन रहे हैं। पांच बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगले वाले कार्बन को शिफ्ट कर देगा। सो द नेक्स्ट कार्बन विल एक्वायर, ये वाला जो कार्बन है जिसको ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, इट विल गेट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये लोन पेयर कार्बन और क्लोरीन के बीच में शिफ्ट हो रहा है, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब हमने ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, यू कैन शो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, सिमिलरली इस कार्बन के फिर से पांच बॉन्ड बन जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, ये वाले पाई बॉन्ड को अगले वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगले कार्बन को दे देगा, रिजल्टिंग इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिर आगे शिफ्ट होएगा नेगेटिव, मीन्स दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब हमने देखा, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेंजीन रिंग, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है, इट इज एक्वायरिंग अ डबल बॉन्ड। सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, अब एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, CH3Br, देयर इज़ नो डाउट देयर इज़ द लोन पेयर, बट देयर इज़ नो डीलोकलाइजेशन,
delocalization will not be possible, right? So in case of alkyl halide, carbon halogen bond is a pure single bond, but in case of chlorobenzene, carbon halogen bond acquire a double bond character. So CCl bond of haloarenes is difficult to break as compared to pure single bond of haloalkane. So नहीं जल्दी टूट रहा है तो substitution भी क्या होगी इसकी, slow. So haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution. Clear? So the next point जो है that favors the lesser reactivity toward nucleophilic substitution is hybridization of carbon which carries halogen atom. अब जो carbon है जिसके साथ halogen लगा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. हमें बताया कि पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2, 3, फॉर फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, एक s का यूज हो जाएगा ऑर्बिटल और 2 p के, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ हेलोअल्केन. हेलोअल्केन का जो कार्बन है विच कैरीज हेलोजन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इन हेलोरीन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब अगर हम s करेक्टर कंपेयर करते हैं, अगर हम टोटल 100 कंसीडर करते हैं चार्ज ऑर्बिटल करेक्टर को, तो आउट ऑफ 100 हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो पर यूनिट ऑर्बिटल कितना करेक्टर आएगा, 33%. सो sp2 हाइब्रिड कार्बन हैज 33% एस करेक्टर. sp3 हाइब्रिड कार्बन विल हैव 25% एस करेक्टर, क्योंकि देयर आर 4 ऑर्बिटल्स. सो हमें ये पता है सिंस s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो ड्यू टू ग्रेटर s करेक्टर द कार्बन sp2 कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CCl बॉन्ड. अदरवाइज जो कार्बन है वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकता बिकॉज Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बट ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन द कार्बन हैज 33% एस करेक्टर एंड ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर इट कैन विड्रॉ, ये विड्रॉ कर सकता है अब द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CCl बॉन्ड टाइटली टूवर्ड इट सेल. एज ए रिजल्ट जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है हेलोअरीन का, इट विल बी shorter एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ हेलोअल्केन. अब shorter बॉन्ड हो गया है CCl इन केस ऑफ हेलोअरीन, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू ब्रेक एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड ऑफ हेलोअल्केन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड. ये अभी हमने जैसे डिस्कस करा कि जो sp2 कार्बन है हेलोरिन्स के केस में इट इज़ मोर पोलर. क्यों? क्योंकि कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. सो जो sp2 कार्बन है हैज़ लिटिल टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू Cl. जो sp2 कार्बन है अदरवाइज हेलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे रिजल्टिंग इनटू द ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. बट इन केस ऑफ हेलोरिन्स सिंस द कार्बन हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अदरवाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, बट हेलोरीन का कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया. क्यों बना? ड्यू टू ग्रेटर s करेक्टर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये भी कार्बन की थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स भी पूरी तरह अपनी तरफ नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा और सी भी अपनी तरह पूरी तरह नहीं खींच पाएगा. सो द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड विल बी लेसर एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड. सो लेस पोलर बॉन्ड विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक. सो इट मीन्स वी कंक्लूड दैट जो हेलोअरीन्स हैं, हेलोअरीन्स जो हैं इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू अ लेसर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड. अब जो हेलोरिन्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी शो नहीं करती हैं, तो अब हमने देखना है कि ये किस तरह की रिएक्शंस शो करेंगी हेलोरिन्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटीज दैट द व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय हेलोरिन्स, एक्सप्लेन हेलोरिन्स कैसी रिएक्शन शो करती हैं और
यही क्वेश्चन हमें ऐसे आ सकता है, हेलोअरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। और ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, नो डाउट वी नो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है। ऑल्दो इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों? अब हम ये डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि जो हेलोअरीन्स हैं, क्योंकि उसका CCl बॉन्ड नहीं जल्दी टूट रहा, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेंगी, तो फिर वो कैसी रिएक्शन शो करेंगी, अब हमने ये देखना है। अब अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोबेंजीन, वी कैन ऑल्सो डिस्कस इट विद ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। सो ड्यू टू रेजोनेंस, अभी हमने देखा कि जो लोन पेयर हैं हेलोजन के, दे कैन गो इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। सो ड्यू टू रेजोनेंस अभी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया इस पोजीशन पे, ये नेगेटिव चार्ज को हम आगे शिफ्ट करेंगे, रिजल्टिंग इन अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन ने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा, तो हमारे पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी नेक्स्ट विथ दिस। तो हमने देखा ड्यू टू रेजोनेंस। अब पहले यहाँ पे ना एक ऑर्थो पैरा मेटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन जो ये वाली पोजीशन है, इसको मैं वन नंबर दूंगी, ऑब्वियसली 2, 3, 4, 5, 6, 2 and 6 पोजीशन जो हैं दे आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, 3 and 5 पोजीशन दे आर कॉल्ड मेटा पोजीशन, एंड 4th पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Cl। अगर Cl नहीं लगा तो कोई भी ऑर्थो नहीं है, कोई भी पैरा नहीं है, कोई भी मेटा नहीं है। Cl अगर लगा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उसके रिस्पेक्टिव हमने पोजीशंस देखनी होती हैं। जो एडजेसेंट पोजीशन है 2 पोजीशन ऑर्थो, उससे नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट पैरा पोजीशन। अब हमने देखा ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इट मींस अगर हमने क्लोरोबेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप ऐड करना है क्लोरोबेंजीन के ऊपर, तो उस ग्रुप के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? बिकॉज वी नो इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अब इसके ऊपर जो चीज़ अटैक करेगी इट शुड हैव पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अभी तक हमें ये पता चला कि जो हेलोअरीन्स हैं दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो, बिकॉज ऑर्थो वॉज नेगेटिव, और पैरा। अब हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है। अब कंसीडर मैंने इसको एज ए पाई बॉन्ड शो करा है, ठीक है? तो या इस कार्बन पे देखो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। अगर मैं बेंजीन को सिंपल ऐसे लिखा है मैंने पहले Cl, और इस पे हमें बताया ऑल द कार्बन हैज़ एच एटम, इट मीन्स मैंने H को निकाल के उसकी जगह पे E डाला है, क्योंकि अगर मैं यहाँ H भी रहने दूँ तो कार्बन के बॉन्ड हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आया, H को निकाला और उसकी जगह पे लगा, इट मीन्स कौन सी रिएक्शन शो करी इसने? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थोपैरा पे ही क्यों करी? बिकॉज आफ्टर ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कम टू नो दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन अक्वायर नेगेटिव चार्ज, and on that negative charge a positively charged species can easily attack, and the positively charged species are called electrophile, क्योंकि उनके ऊपर positive charge है, they love negative charge, electron means negative, file means loving, so haloarenes are electron rich compound, and due to 6 pi electron density on benzene ring, electron density है benzene ring के ऊपर ज़्यादा,
और साथ में रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण प्लस आर। प्लस आर क्यों है? क्योंकि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे तो उसको माइनस आर इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो अब हमने देखा कि जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है एंड इट हैज़ माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज माइनस आई इफेक्ट, राइट। बट ऑन द अदर हैंड जो माइनस आई इफेक्ट है इसके कारण ये क्या कर रहा है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा है। बट अभी हमने देखा कि प्लस आर इफेक्ट भी है इसका, एंड वी नो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ओवरऑल इफेक्ट हम क्या लेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट बेंजीन की डेंसिटी कम होएगी। प्लस आर इफेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, दिस इज प्लस आर इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। एंड वी नो आउट ऑफ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। सो ओवरऑल इफेक्ट विल बी डिसाइडेड बाय प्लस आर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एज ए रिजल्ट क्लोरीन Cl एटम, although it is electron withdrawing, but due to plus R effect, it increases the electron density at ortho and para position, resulting in ortho and para attack in case of electrophilic aromatic substitution. So these two questions are very important to discuss before doing the chemical properties of halorenes. Do these questions very carefully.